हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपा और मेरे कोर्नर का नाम है स्टाइल बाय कोर्नर दीपा और मैं फिर से आ गई न्यू वीडियो लेकर। और आप मेरे वीडियोस देखते ही रहते हो, वॉचिंग करते हो। आपको कैसा लगता है मेरे वीडियो देखना, ये ज़रूर बताइएगा। और मैंने न्यू वीडियो लेके आई हूँ, प्लीज़ वॉच। मैंने ये पार्सल आ गया है मेरा आज और ये पर्पल से आया है और ये मैंने बॉक्स मंगवाया था और मैं आपके सामने ऐसे अनबॉक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने बहुत काम की चीज़ मंगवाई है जो आज की दिनचर्या में हमें काम में आती है, बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ऐसी चीज़ें तो घर में होनी ज़रूरी रहती है। और ये मैं बॉक्स की पॉलीथिन निकाल दी मैंने। अब मैं बॉक्स अनबॉक्स करूँगी। मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से खोलूँ। यहाँ से खुलेगा ये यहाँ से खुलेगा, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा किस साइड से खुलेगा। ना मुझे समझ में आ रहा था कि निकलेगा किस साइड से। तो मैंने फिर खोलने की कोशिश करी, कैंची उठाई मैंने, इतनी बड़ी कैंची चाहिए, सीजर। और फिर मैंने उससे खोलने की कोशिश करी लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सीजर मैं कहाँ से डालूं और कहाँ से मैं अनबॉक्स करूं। देखो मैं घुमा घुमा के परेशान हो गई कि मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि कहाँ से क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता पार्सल खोलने में। और आपको अनबॉक्सिंग करना पसंद है, मुझे तो अनबॉक्सिंग करना पसंद है। मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। बच्चों की आवाज़ आ रही है तो थोड़ी एडजस्ट कर लीजिएगा, हमारे बच्चे हैं तो बहुत थोड़ा शोर शराबा होता है। तो अभी मैंने बिना आवाज़ का वीडियो डाला था लेकिन फिर भी मैंने इसमें आवाज़ डाली तो फिर भी बच्चों ने शोर शराबा चालू कर दिया था। और मैं वैसे नहीं बोलते, जब मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो इतनी चिल्ला चोट करते कि मैं भी परेशान हो जाती हूँ। फिर मैंने सीजर से अनबॉक्स करा, फिर मुझे जगह मिली कि यहाँ से खुलेगा। इस टाइप से मैंने सीजर से कट कर कर दोनों तरफ। फिर मैंने बॉक्स खोला और उसमें इतना सारा कचरा भी निकला है। ये मैंने कचरा मंगवाया था। नहीं, कचरा नहीं मंगवाया था। ये सेफ्टी के लिए आता है कि हमने जो चीज़ मंगवाई है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और वो सेफ रहे। ये 2 पैक आए हैं जो मैंने 2 चीज़ें मंगवाई थी। ये बिल है, ये बिल आया है पर्पल से ही, लिखा ऊपर पर्पल लिखा हुआ है। और ये बिल आया है और ये मैंने कार्मेसी की प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। 2 प्रोडक्ट्स हैं कार्मेसी के। ये हैं दोनों प्रोडक्ट्स कार्मेसी से के, एक बॉडी रेजर है और एक बिकनी रेजर है। ये हमें बहुत ज़रूरी रहती हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कार्मेसी से। और ये मैंने पर्पल से मंगवाए थे। और ये कार्मेसी की बिकनी रेजर है 4 वुमेन 4 इरिटेशन फ्री शेविंग और बिकनी लाइन। और कार्मेसी बिकनी रेजर 4 वुमेन प्रोटेक्टिव कवर जैपनीज नैनो ब्लेड सेफ्टी कॉम इरिगेनोमिक हैंडल और वॉश योर बिकनी एरिया विथ वाटर, होल्ड योर स्किन टाइट एंड ग्लिट रेजर डॉवर्ड विदाउट प्रेसिंग टू हार्ड, वॉश द एरिया थ्रू ग्रेट, वॉश द ब्लेड प्लेस। और कैप्शन है 4 एक्सटर्नल यूज़ ओनली इफ़ यू एक्सपीरियंस माय स्टॉप। और मैं सभी कुछ नहीं पढ़ के बता रही हूँ। और इस टाइप का कार्डबोर्ड आता है इसमें और ये मैं निकाल के बता रही हूँ। ये मैं आपके सामने ही निकाल रही हूँ, आपके सामने ही अनबॉक्स किया, आपके सामने ही निकाल रही हूँ। मुझे ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। मैंने ये रेजर पहले भी मंगवाई है तो बहुत अच्छी आई है। ये 2nd पैक मंगवाया था और ये मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके हैंडल देखिए किस टाइप में हैंडल है। इस टाइप में ऊपर ढक्कन टाइप का कैप लगा रहता है। और वाओ कितना प्यारा है। इसमें फूल टाइप के भी बने हुए हैं, छोटे छोटे से होल है, इसमें फूल टाइप के बने हुए हैं। और देखिए इसका हैंडल टेढ़ा है और रेजर की ब्लेड भी जिगजैग वाली है। और देखिए कितनी अच्छी और आसानी से हम इस हैंडल को चला सकते हैं और बहुत आसानी से बिकनी एरिया की सफाई हो जाती है। ये मैंने यूज़ कर लिया है और बहुत अच्छी क्वालिटी आती है और मुझे ये बहुत पसंद आई है बिकनी। आपको कैसी लगी बिकनी रेज़र? और मुझे तो बिल्कुल लाइक। ये है कार्मेसी की बॉडी रेज़र मिनी विथ इंडिविडुअल ट्रेवल केस। ये आप ट्रेवलिंग पे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। 5 ब्लेड प्रेशन, ल्यूवरे, केशन स्ट्रिप्स, एलोवेरा एंड वीट्स। इस टाइप में सेफ है। कार्मेसी बॉडी रेज़र मिनी ओलिवरेशन स्टीव विथ एलोवेरा एंड वीट, विटामिन ई, एंटी क्लो डिज़ाइन, ईजी रिनिशिंग, 5 ब्लेड्स मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, वे प्रोवाइड फॉर ईजी ग्लेड, अलाउंग क्रोवेस एंड कंटोर्स, इरिग्रोनोमिक हैंडल, ट्रेवल केस। प्राइस इसका 399। जी मुझे ऑफ़र पे मिला है तो कम प्राइस का मिला था। अब ऑफ़र पे मंगवाएगी तो कम प्राइस का मिलाएगा। हाउ टू यूज़, इसमें यूज़ तो लिखा है लेकिन उसमें चेट लगी हुई थी तो मैंने मेरा कैप्शन बता रही हूँ। 4 एक्सटर्नल यूज़ ओनली इफ़ यू एक्सपीरियंस एनी इरिटेशन स्टॉप यूजिंग द रेज़र इफ़ द इरिटेशन। और ये इसका कार्डबोर्ड है, कितना प्यारा है। और ये इस टाइप में, वाओ कितना सुंदर है। प्लास्टिक का बॉक्स कितना सुंदर आया है, देखिए कितनी प्यारा लग रहा है। उसकी पैकेजिंग मुझे बहुत पसंद आई है। कहीं पर भी हम आसानी से रखकर घूमने जाएं तो ले जा सकते हैं। और इस टाइप में ये खुलता है, कितने प्यारा लग रहा है। और देखो ये रेज़र भी कितनी सुंदर आई है। इस टाइप में रेज़र है, थोड़ा सा टेढ़ा हैंडल है। और वाह छोटा सा मिनी पैक, कितना प्यारा है यार। मुझे तो रेज़र को देख के ही मज़ा आ गया कि हाँ कि कोई चीज़ है, पैसा वसूल क्वालिटी है और चीज़ भी पैसा वसूल है। वैसे बॉडी रेज़र बहुत महंगी आती है अगर और कोई प्रोडक्ट मंगवाते। कार्मेसी की बॉडी रेज़र बहुत अच्छी आई है और बहुत अच्छा। 5 ब्लेड्स है इसके अंदर और इसमें एलोवेरा, अगर हम पानी लगा के हम रेज़र करते हैं तो एलोवेरा जेल स्ट्रैक होता है। और भी जानकारी चाहिए तो मैं इसका एक अलग से वीडियो डालूंगी आपके सामने बनाते हुए। सो आपको ये दोनों रेज़र कैसी लगी? और कार्मेसी की बिकनी रेज़र का प्राइस 149 है। मैंने इसका प्राइस नहीं डाला था। आपको ये रेज़र पसंद आई कि ये वाली रेज़र पसंद आई? वैसे तो मुझे तो दोनों पसंद आई हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी है। और फालतू की चीज़ में पैसा बर्बाद करना कोई काम नहीं है। या वैक्स करवाओ या फिर हाथ पैरों की ऐसी तैसी करवानी है, कितना दर्द होता है वैक्सिंग करवाने में बॉडी की। या बिकनी की वैक्सिंग करवाओ, कुछ भी करवाओ, सो बहुत दिक्कत आती है। और ट्रिमर करो तो भी बहुत दिक्कत आती है, इसलिए ये अच्छा ऑप्शन है। अब घर पे रेज़र करो, सारी प्रॉब्लम से छुट्टी। और ज़्यादा प्राइस भी नहीं पड़ता है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा और वॉचिंग माय वीडियो। और मैं ऐसे वीडियोस लाती ही रहती हूँ। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। दोनों रेज़र का रिव्यू कैसा लगा। बाय बाय।